हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जीके की या करंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं देश की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है और इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसमें कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि देश की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है। तो भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोलकाता में पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया और इसमें हावड़ा मेट्रो हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड टनल का आरंभ किया है, जो भारत की किसी भी नदी के नीचे बनने वाली पहली परिवहन सुरंग है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। आगे देखते हैं कि और यह कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगा। अंडर वाटर मेट्रो जो है टनल हुगली नदी के 32 मीटर की गहराई पर चलेगी, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि जो अंडर वाटर मेट्रो है यह हुगली नदी के कितने मीटर से गहराई पर चलेगी, तो 32 मीटर की गहराई पर चलेगी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने मीटर पर, 32, 33, 34 ऐसे करके जो है ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो इसमें जो है 32 मीटर की गहराई पर जो है अंडर वाटर मेट्रो जो टनल हुगली नदी से चलेगी। आगे देखते हैं इसके जो इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं, इम्पॉर्टेंट जो कीस हैं वो देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है कि हुगली नदी के अंदर जो है 520 मीटर की दूरी को मेट्रो ट्रेन की महज 45 सेकंड में पूरा करेगी। दूसरा पॉइंट है कि इस मेट्रो में ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम लगा है, यानी कि जिसका मतलब होगा कि मोटरमैन कोई भी बटन नहीं दबाएगा बल्कि ट्रेन अपने आप जो है अगले स्टेशन की ओर मूव करेगी। तीसरा पॉइंट है कि अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर की प्रति घंटा से होगी। चौथा पॉइंट है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में कोच रेक में बेहतर ग्रैंड हैंडल लूप एंटी स्किड पर्स और अग्निशामक यंत्र भी होंगे। पांचवा पॉइंट है कि आपातकालीन स्थिति में जो यात्री है वो जो मोटरमैन के साथ भी बातचीत कर सकेंगे। छठा पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और हर कोच में जो हाई क्लास की सुविधाएं होंगी। हावड़ा मैदान से जो है एस्प्लेनेड तक यात्रा करने में 6 मिनट लगेंगे। सातवां पॉइंट है कि कुल 16 किलोमीटर के मार्ग में 10.8 यानी 10.8 किलोमीटर की जमीन के भीतर होगा, जिसमें नदी का जो हिस्सा भी शामिल है। आठवां पॉइंट है कि पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो गंगा की सहायक नदी हुगली के नीचे तलहटी से 13 मीटर नीचे से गुजरेगी। नौवां पॉइंट है कि इस मेट्रो में वर्ष 2035 तक 10 लाख यात्री भी यात्रा कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही जो हमने बात किया है अंडर वाटर मेट्रो की। ये इंपॉर्टेंट कीस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो और भी ऐसे जो है इंपॉर्टेंट बिंदु को हम देखेंगे, कीस को लाएंगे जो करंट से भी संबंधित होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।